नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है तबला रस। तबला जो रस जो शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अभी पिछली परीक्षाओं में DSSB और CTET में इससे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों समझते हैं तबला रस को। तबला रस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खाली स्लेट। खाली स्लेट तबला रस का सिद्धांत जो है कि 1690 ईस्वी में जॉन लॉक जी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लॉक जी ने दिया था, जो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। कब दिया था? 1690 ईस्वी में। और किसने दिया था? जॉन लॉक जी ने। जॉन लॉक जी का मानना था कि मनुष्य में जो ज्ञान का निर्माण होता है उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। मनुष्य में जो ज्ञान का निर्माण होता है उनकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। वह किसी कार्य को खुद करके सीखता है, मतलब वह किसी कार्य को खुद करके सीखता है और उसके साथ या समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। उनका मानना था कि जब बच्चा जन्म लेता है तब वो कोरी स्लेट की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह घर परिवार समाज वातावरणीय परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ऐसे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं। जॉर्ज वर्कले के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जेबी वाटसन के अनुसार मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए, उसे मैं डॉक्टर इंजीनियर चोर जो चाहूं बना सकता हूं। दोस्तों इससे पहले जो प्राचीन काल में जो आदर्शवादी हुए थे अरस्तु या सुकरात या प्लेटो, इनको इनका जो मानना था कि मनुष्य जो है वो पूर्णतः समाज के द्वारा सीखता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य जो है वो समाज के साथ नहीं, समाज के अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है और समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों अरस्तु और सुकरात आदि का मानना था कि मनुष्य अपने ज्ञान का जो निर्माण करता है वो समाज के द्वारा होता है। मनुष्य में जो ज्ञान का निर्माण होता है वो समाज के द्वारा होता है। दोस्तों समाज जो तबला रस से बनने वाले जो प्रश्न हैं, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, तो इसमें तबला रस का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों तबला रस का जो सिद्धांत दिया था वो जॉन लॉक जी ने दिया था। तबला रस किस भाषा का सिद्धांत है? तबला रस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तबला रस का क्या अर्थ होता है? तबला रस का अर्थ होता है कोरी स्लेट। जॉन लॉक जी कहाँ के निवासी थे? तो जॉन लॉक जी थे वो इंग्लैंड के शिक्षा प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। दोस्तों ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, पर इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।